हाय एवरीवन, फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप परिमार्जन किए हैं तो उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं। ऑनलाइन अगर परिमार्जन किए हैं या आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, जैसे आप अपना ज़मीन ऑनलाइन नहीं रसीद कटवा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप परिमार्जन किए होंगे। तो परिमार्जन में क्या होता है कि स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहां तक हुआ है। तो ज़मीन का जो परिमार्जन किए हैं उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो आपको हम बताएंगे कि आप इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, अगर 4 या 5 महीना हो गया है, अगर आपका कुछ स्टेटस नहीं पता लग रहा है कि क्या हुआ है, तो आप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पे, कोई भी एक ब्राउज़र खोलिएगा, उसमें लिखिएगा भूमि जानकारी और भूमि जानकारी टाइप कीजिएगा और नीचे लिखा होगा भूमि बिहार भूमि, ठीक है, बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और देखिए यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे की तरफ जाइएगा और यहाँ लिखा होगा परिमार्जन, ठीक है, इस परिमार्जन पर क्लिक कीजिएगा। परिमार्जन के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आए तो आप हिंदी पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके हिंदी में टोटल चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बायां साइड लेफ्ट साइड में दो यहाँ डॉट का निशान है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है, तीसरा नंबर पर लिखा हुआ है ट्रैक योर एप्लीकेशन, जो आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो परिमार्जन किए हैं तो आपका प्रोसेस कहां तक हुआ है, ठीक है, और इसका क्या हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हमारा। तो चलिए इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा और ये देखिए नीचे की तरफ इंटर योर एप्लीकेशन आईडी, जो आपको जो परिमार्जन करते समय आपको जो मिला होगा एप्लीकेशन आईडी वो यहाँ पे एक डालिएगा, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे मिला होगा आपको तो यहाँ पर डालिएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर डाल के आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिए हैं और यहाँ ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस, जो करेंट स्टेटस है यहाँ पे लिखा है प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड लिखा हुआ है। प्रोसीड लिखने के बाद यहाँ पर रिमार्क में कोई रिमार्क नहीं डाला हुआ है और ये आपका प्रोसेस में है, प्रोसेस में है अभी आपका जो हमारा जो ये है आपका आईडी, इस जो परिमार्जन किए हैं ये प्रोसेस में है, ठीक है ना। और प्रोसेस में करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई प्रिंट आउट एक्नॉलेजमेंट का निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट पे निकाल सकते हैं, तो आपका डिटेल्स दिखा देगा। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्रिंट योर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए जो हम किए हुए हैं परिमार्जन, ये टोटल चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, जो आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस और प्रॉपर्टी डिटेल्स जो लोकेशन है आपको टोटल यहाँ शो करेगा, जो आपके नाम से होगा, ठीक है ना, ये आपके जो नाम से होगा आपके यहाँ शो करेगा, ठीक है ना। और यहाँ प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ करेंट स्टेटस नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है योर करेंट स्टेटस प्रोसेड, प्रोसेस लिखा हुआ है प्रोसेड कि आपका प्रोसेस में अभी चल रहा है, ठीक है ना। अगर इससे भी अगर नहीं होता है, अगर बार बार यही लिखते रहे, तो आप यहाँ पे कर्मचारी से संपर्क कीजिएगा और या सीईओ से संपर्क कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्तों। अगर आपको ये अच्छी अच्छी जानकारी ज़मीन के रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।